रोड पे बिरयानी का एकदम कुछ अलग ही सीन है हमारा इधर पे। गफर भाई मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और आज कुछ सरप्राइजिंग करने का है, तो अभी फटाफट से चाय आ रही है तो चाय पीते एंड देन डायरेक्ट मैं आपको बाद में तो दोपहर में ही मिलूंगा, क्योंकि सरप्राइजिंग दोपहर में वहाँ पे अपने अराफत मामा चाय का वेट कर रहे बेचारे। अराफत मामा को मिला हुआ ये सिक्का, हटा दो। यहाँ पे बिस्किट वगैरह आ चुका है, बस चाय का इंतज़ार है। चाय आएगी फिर गर्मा गर्म चाय दोपहर में। वो भी देखो कितना पुराना है, 1835 का है ये, मेरे बाप दादाओं के ज़माने का सिक्का है। कोई नहीं, इसको हम बेचने की तैयारी कर रहे हैं। गाइस आप लोगों को मालूम हो ये सिक्का कौन खरीदेगा तो बताना हम लोगों को, वनीत भाई को कॉन्टेक्ट करना। भाई साहब अपना चाय और बिस्किट रेडी है, मामा साहब अपने उठा रहे हैं चाय और बिस्किट। तो चाय बिस्किट का अपने दोपहर में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दोपहर में कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे करीबन, और हम लोग दोपहर में और अभी घर पे जाके खाने का भी है। और वो रिक्शा वाला कुछ नक्की नहीं है, नक्की हो मतलब एकदम फाइनल हो जाता है तो मैं आपको बोलता हूँ। हम लोग जा रहे हैं मतलब VIDC कंपनी में, इसके कुछ रीजन्स के काम की वजह से, तो वहाँ से जाके मतलब अभी तो बाइक पे जा रहे हैं, फिर शाम में रिक्शा में जाएंगे, बराबर ना। आज का दिन होने वाला है पूरा सफरनामे का, सफरनामा अभी से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी GIDC तो जा रहे हैं, फिर रिक्शा का सफरनामा चालू होगा। रिक्शा आती है फिर नहीं आती है वो भी मालूम नहीं है, तो पहले मैं चाचा को फ़ोन कर लेता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. भाई साहब हम लोग पहुँचे कंपनी में, ये अराफत जिस कंपनी में काम करता है, तो यहाँ पे कुछ काम है, इसका काम हम निपटा के फटाफट से हम लोग जाएंगे। मतलब रिक्शा का जो टूर वगैरह अपना है, पहले तो वो चैलेंज भी मेरे को करने का तो भी मालूम नहीं है, बट पहले थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वेट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे यहाँ से निकल जाएंगे बस। अराफत की कंपनी अंदर कंटेनर है एक आया हुआ है, और ये बैठे बैठे एकदम बोर हो रहे, और चाचा का प्लान अभी क्या बोल रहा है कुछ मालूम नहीं, कैंसिल हो गया है और नक में चोट लग गई है। भाई साहब नख में बहुत गंदी वाली चोट लग गई है, तो अभी मालूम नहीं है, अबुल को फ़ोन करेंगे वो आएगा फिर निकलेंगे, या फिर इधर ही संडे को फिनिश कर देने का। मुंटेक्स का बोल रहा हूँ ना, लोग बोल लेके आ चुके हैं अभी फटाफट से, हम लोग क्रिकेट चालू करते हैं इधर पे, फिर रात में जाएंगे हम। तो सामने छोटू सस्ता दाल ले रहे, आज भाई साहब एकदम पसीना पसीना हो चुके हैं खेलते खेलते, क्योंकि बापू एक तो खींचा कर रहे हैं गेंद के बीच में, आउट पे नहीं दे रहे हमको आउट, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने से बच्चे हमारे, यहाँ देखो ये सलीम भाई। सो गाइस देखो अपने कपड़े लेके जा तो भी काम करना पड़ता है। सो गाइस अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि एकदम थक गए थे भाई साहब अपने, आज क्रिकेट इतना खेला इतनी रात तक खेला, तो अभी फटाफट से क्या प्लान आगे का देखते हैं। रिक्शा का मेरे को नहीं लगता आज हो पाएगा, तो फिर कभी ट्राई करेंगे अपने, और अगर हो भी जाता है तो देखते हैं, फिर अभी नक्की नहीं है। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, फटाफट से बाहर जाते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं भाई साहब, बहुत भूख लगी तो मीटिंग करते हैं। जब भी यहाँ पे हम लोग ये एक यहाँ पे छुपाइएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग आए हुए हैं जाफर मुजफ्फर, आज तो संदल है उर्स नहीं है, बट कुछ जबकि आपको दिखाता हूँ, खाली देखो नॉर्मल। ये
ये जो रोड है ना भाई साहब, काफ़ी डेंजर रोड है, तो हम लोग मतलब ध्यान से क्रॉसिंग कर रहे हैं इसको और बस अंदर जा रहे हैं। और यहाँ का ऐसा ही है भाई, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, देखो चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड है, और ये तरफ जंपिंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इधर पे। और भाई साहब ये जो पोटैटोस है ना भाई, क्या खाने में मज़ा आता है, जो ये मतलब अलग ही बट तीखा बहुत है। हमारी लच्छी तैयार हो रही है, पब्लिक अच्छी है नहीं अभी, और यहाँ पे जो सामने बन रहा है वो खीरी और कलेजी दोनों है, जो भी खाना हो खाओ। पीछे का लुक गाइस आप देख सकते हो कितना माशाल्लाह बहुत बढ़िया आ रहा है। हम लोग खाली 5-10 मिनट के लिए आए थे, कुछ खाना वाना पीना वीना हो गया थोड़ा बहुत, ऑलमोस्ट हुआ बस थोड़ा बहुत, बस अभी जा रहे हैं हम लोग घर, अभी कल आएंगे स्पेशली उर्स के दिन रात में, और बस अभी तो जा रहे हैं भाई। संजल शरीफ हो चुका है मतलब, हाँ आज रात को होगा, तो बस अभी जाएंगे घर, और फिर मतलब आज रिक्शा का तो कैंसिल किया आपने बापू, इकले फिर किसी दिन करेंगे चैलेंज वो भी। इतनी रात हो रही है, ऑलमोस्ट 11:30 हो रहा है, और हमारे पास आ चुकी है बिरयानी, तो हम लोग खाएंगे भाई रोड पे बिरयानी। भाई साहब क्या सीन है, पानी का शीशा मतलब थाली वाली पानी का शीशा अपने ले लिए, अभी फटाक से बिरयानी की ट्राई करते रोड पे खाएंगे भाई साहब, एकदम अलग ही नेक्स्ट लेवल। रोड पे बिरयानी का एकदम कुछ अलग ही सीन है हमारा इधर पे, और इधर पे ही खाना है। जब भी मेरी एडिटिंग वगैरह सब कुछ बाकी है, ऑलमोस्ट 1:30 और है, देखो 1:30 और है, तो फटाफट से मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एकदम अपने फ्रेश हो चुके हैं, बस देख सामने हम आ देख, मुझे कुछ शर्म हो गई आपे लगा ओ बसा दे भी बुला ले बस जा गफर भाई।